सौरव जोशी के रिसेंटली अपलोडेड दुबई व्लॉग्स को देखकर मेरा भी मन दुबई जाने को करता है। अब यार मेरा ना वीजा है ना पासपोर्ट है, तो मैं दुबई कैसे जा पाऊंगा? और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं मतलब फ्लाइट का पैसा दे सकूं। थोड़ी देर रिसर्च करता हूँ एंड फिर उसके बाद अपने काम पर लग जाता हूँ। अब वो किस काम में? अरे यार मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ एक खुद के लिए प्लेन जिसको मैं उड़ा कर जाऊँगा दुबई सिटी घूमने के लिए। अभी आइडिया तो काफ़ी क्रेजी साउंड कर रही है, बट ये एक आइडिया है और आपको तो पता है कि हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं दिमाग के अंदर, लेकिन उसको जब करने जाए तो फटके चार हो जाती है। लेकिन हम लोग इस चैनल को कंप्लीट करके रहेंगे, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक प्लेन को बनाना। एंड काफ़ी देर मेहनत करने के बाद, कई दिन कई रातें एक करने के बाद मैं फाइनली ये वाला प्लेन बना लेता हूँ। अब यार प्लेन तो मैंने बना लिया है, लेकिन प्लेन उड़ाना भी तो आना चाहिए, तो अब नेक्स्ट टास्क हमारा आ जाता है इस प्लेन को सीखना। तो यार ये वाला जो है, अगर मैं इस लीवर को ऊपर खींचूंगा कुछ ऐसे, तो हमारी स्पीड मैक्सिमम होगी, हमारे इंजन की पावर मैक्सिमाइज हो जाएगी। एंड ये इधर बटन्स है जिससे कि मैं प्लेन को ऊपर नीचे कंट्रोल कर सकता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन में मैं इस प्लेन को चला रहा होता हूँ। देखो आगे डायनासोर अपने मुँह से भाई लिटरली आग उगल रहा होता है। और मैं अपना पहला चैलेंज फिनिश कर देता हूँ, पहला लेवल मेरा इस हिसाब से क्लियर हो जाता है। एंड बारी आती है सेकेंड लेवल की, जिसमें मैं लैंडिंग कैसे करा जाए प्लेन की उसके बारे में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को जितने भी चेक पॉइंट्स हैं उनके थ्रू जाना होता है, एंड उनके थ्रू जाकर मैं एक एयरपोर्ट में पहुँच जाऊँगा एंड जिसमें मैं लैंडिंग करूँगा। तो गाइस बस थोड़े ही दूर उस झरने के साइड में एयरपोर्ट है, वो झरना वैसे काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पर हमारी फाइनली लैंडिंग होने जा रही है, और मैंने लेवल 2 भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि मैंने लैंडिंग करना भी सीख लिया प्लेन की, जिसमें मैंने 11 किलोमीटर प्लेन चलाया था। अब यार मैंने ये प्लेन तो बना लिया था, लेकिन बाद में मुझे ये चीज़ पता चलती है कि ऐसे खुद का प्लेन बना के बिना वीज़ा पासपोर्ट के दुबई नहीं जा सकते। और मैं एकदम हॉरिबल ड्राइवर था लिटरली, लाइक ऐसे आड़े मेड़े ऊपर नीचे चला रहा था, जो कि बाकी एयरप्लेन्स के लिए दिक्कत साबित हो सकती थी। तो फिर एट द एंड मेरे पास एक ही रास्ता बचा कि वीज़ा पासपोर्ट बना लो और चुपचाप पैसा देके फ्लाइट से दुबई चले जाओ। तो देन फिर मैं निराश होकर चुपचाप बैठ जाता हूँ। कुछ सालों बाद सुमित ने काफ़ी पहले से सपना देखा था दुबई जाने का, एंड फाइनली वो दिन सुमित के लाइफ में आ जाता है जिस दिन सुमित एक्चुअली एक बड़े से एयरप्लेन में जाके दुबई की टिकट निकाल के दुबई जा रहा होता है। तो गाइज हमारा प्लेन कुछ इस तरीके से एयरपोर्ट में से टेक ऑफ करता है, और आगे ये ब्लैक एंड वाइट रीजन पता नहीं कैसे आ जाता है, बट आ जाता है। एंड फिर फाइनली सुमित दुबई के अंदर लैंड कर जाता है। तो सुमित का ये दुबई जाने का सफ़र आपको अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी चैनल पर अमेजिंग कंटेंट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप उस चीज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। एंड आने वाले समय पे हम लोग और क्रेजी आइडियाज़ करने वाले हैं। फिलहाल हम ये सारी चीज़ें गेम में कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में काफ़ी खतरनाक काफ़ी अच्छे आइडियाज़ है जिसको हम लोग रियल लाइफ में भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, मेरे को आपका इंतज़ार रहेगा। अगर आपको भी मेरा इंतज़ार है तो कमेंट सेक्शन में एक रेड वाला हार्ट कमेंट कर देना। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना है आपसे, क्योंकि और वीडियोज़ भी तो आनी है। पीस आउट।